శివం శివం జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహ పావితస్థలే గలేవలంబిలంబితాంబుజంగతుంగమాలికాం డమడ్డమడ్డమడ్డమడ్నినాదవడ్డమర్వయం చకారచండతాండవం తనోతు నః శివ శివం శివం. నమస్కార్, ఆప్ సబ్కా హమారే ఛానల్ శ్రీమద్ హోమ్ రెమెడీస్ పర్ స్వాగత్ హై ఔర్ హమ్ ఆప్కో బతాయేంగే కి హమారా జో దిమాగ్ హై ఇస్కో హమ్ తేజ్ కైసే బనాయే, కుచ్ తరీకే, కుచ్ డైట్స్ पर तेज करने के तरीके हम आपको ज़रूर बताएंगे. देखिए, पृथ्वी पर आपको कई सारे जीव देखने को मिलेंगे और विज्ञान ने लगभग 87 लाख प्रकार के जीवों की पृथ्वी पर मौजूद होने का अनुमान लगाया है. और उन 87 लाख जीवों के प्रकारों के अंदर सिर्फ एक ही ऐसी प्रकार है आज पूरे धरातल पर जो राज कर रहा है, और वो है हम इंसान. इंसान की बात, अब इंसान का दिमाग सोचिए कितना खुद ही तेज होगा. वैसे तो आप सारे जानवरों के दिमाग की तो बात आप जानते ही हैं, कुछ जानवरों के दिमाग होते भी हैं थोड़े बहुत, जिसका वो इस्तेमाल भी करते हैं. इंसानों के दिमाग में करीब करीब 1 अरब से भी ज़्यादा न्यूरॉन मौजूद रहते हैं, और ये न्यूरॉन आपके विचारों को आपके मन में लाते हैं. इसलिए अगर आप किसी प्रकार से अपने न्यूरॉन को सही सलामत रखने में कामयाब हो गए तो आप भी किसी महापुरुष की बात दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं, सरल तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा. कुछ तो बहुत ही इजी मेथड है, सिर्फ 8 सेकंड का फोकस. यह याददाश्त बढ़ाने के लिए बेहद आसान और छोटी सी एक्सरसाइज है, जिसे आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं. किसी भी घटना या खुद से जुड़ी बात को याद करें और उस पर कम से कम 8 मिनट तक ध्यान केंद्रित करें. 8 मिनट तक कर लिए तब तो बहुत बड़ी बात है, 8 सेकंड भी आपने कर लिया बस आपका काम हो जाएगा. यह विधि याददाश्त बढ़ाने में बहुत कारगर है. याददाश्त को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं. कई बार कमरे में घुसने के बाद याद ही नहीं आता कि हम किस काम के लिए आए थे. मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे वजह यह है कि चौखट पार करने के दौरान कई बार मस्तिष्क के प्रोग्राम कंप्यूटर की तरह ही रीस्टार्ट हो जाते हैं. तो ऐसे में वापस लौटते वक्त अगर आप इस बात पर जोर देंगे कि आपके पास किस चीज़ की कमी है और आपको क्या चाहिए, तो इसे याद करना आसान हो जाएगा. आज के समय में कौन स्मार्ट बनना नहीं चाहता है? हर किसी को एक स्वस्थ शरीर और एक तेज दिमाग की आवश्यकता है, सबको. करेंगे कैसे? हमारे मन को चिंताओं से मुक्त रखकर नए और सकारात्मक विचारों को अपने मन में आ पाने दें. आज के आधुनिक युग में हर एक व्यक्ति सिर्फ कार्य 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 इसी के बारे में सोचता है. उनके जीवन में तरह तरह की चिंता हमेशा आकर सताती रहती है. याद रखें, चिंता चिता के समान है और ये हमेशा ही आपको परेशान करती रहेगी. इसलिए जितना हो सके उतना अपने और अपनों को चिंता से मुक्त रखें. हमेशा अपने मन के अंदर सकारात्मक विचारों को आने दें और नकारात्मक विचारों को आकर जाने दें. हमेशा अपने दिल और अंतः मन की आवाज सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपका अंतः मन आपको हमेशा सही राह दिखाएगा. इसके अलावा हमेशा भगवान जी को याद रखें. अब और भी तरीके हैं. दिमागी कसरत जो है, दिमाग को तेज करने का सबसे एक प्रभावशाली तरीका है दिमागी कसरत. इसके लिए आप बच्चों के साथ कोई दिमागी खेल खेलें, जैसे कि प्रश्नोत्तरी, शब्दकोश भरना या सही विकल्प चुनो खेल सकते हैं. दोस्तों की मदद से इस तरह के खेल जब आप खेलते हैं तो इससे आपका याददाश्त मजबूत होता है और आपका दिमाग मजबूत होता है. याददाश्त को मजबूत करने का एक सही तरीका है. आप डाइट की भी बात कर सकते हो, आहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कॉफी है तो कॉफी एकाग्रता बढ़ाने में काफी मदद करती है. इसके अलावा यह ब्रेन में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पहुंचाती है. तो बॉडी में कैफीन की जो जरूरत है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो एक सीमित मात्रा में कैफीन का सेवन आपके लिए लाभकारी हो सकता है. स्टडी के मुताबिक विटामिन ई के सेवन से मेमोरी लॉस की शिकायत से बचा जा सकता है.
बादाम, अखरोट में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, इसलिए इसका सेवन आप रोज करें। कसरत जो है, जो हम ऊपर बात कर रहे थे, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह एक बहुत ही प्राचीन और मौलिक संस्कृत की एक कहावत है। यहां कहा गया है कि अगर शरीर स्वस्थ रहती है तभी सभी कार्य सही तरीके से हो पाते हैं। आज ज्यादातर लोग अपनी दिनचर्या में कसरत करना ही भूल गए, तो रोज 20 मिनट की कसरत करने से आपका दिमाग 60% ज्यादा तेजी से काम करने लगता है। इसके अलावा आपका शरीर भी बहुत प्रकार से रोगों से मुक्त रहता है। तो कसरत करने से आप अपने रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। रचनात्मकता शक्ति बढ़ाने के कारण आपका दिमाग भी बहुत तेजी से कार्य करता है। कभी कभी आपको मुट्ठी भींचना चाहिए काम के दौरान, खास करके जब आपको कुछ याद नहीं आ रहा हो। तो अगर काम के दौरान आप छोटी छोटी बातों को ज्यादा भूल रहे हैं तो इन्हें याद रखने का बहुत आसान तरीका है। कुछ याद करते वक्त आप अपनी मुट्ठी को मुट्ठी बनाएं और जितना हो सके उतना भींचे। अगर आप दाएं हाथ का अधिक इस्तेमाल करते हैं तो दाएं हाथ की मुट्ठी कसें, और अगर आप बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो बाएं हाथ की मुट्ठी भींचे। कम से कम 45 सेकंड इसे आप करें और अच्छी नींद लें। आपकी नींद और याददाश्त का गहरा संबंध है, हमारे दिमाग का गहरा संबंध है, क्योंकि सोते वक्त दिमाग खुद को रीसेट करता है जिसे नींद खुलने पर सभी सूचनाओं को याद रख सके। अगर नींद ढंग से नहीं ली जाए तो याददाश्त कमजोर होने लगती है, तो नींद बहुत आवश्यक होता है। फिर भाषा, देखिए बच्चों को कम उम्र में भी अन्य भाषाओं का ज्ञान होने से उनका दिमाग ऐसे बच्चों की तुलना में तेज चलता है जो केवल एक ही भाषा जानते हैं, तो इस तरह से बच्चे में और भी योग्यताएं विकसित होती है। फिर खेल कूद है, देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ पार्टिकुलर, मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ जो आप देख रहे हैं, हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, आपके बच्चों के लिए बना रहे हैं। बच्चे खेल कूद में जितने फुर्तीले होते हैं उनका दिमाग उतना ही तेज और सक्रिय होता है, तो इस तरह से बच्चों के दिमाग में ऑक्सीजन का प्रवाह भी बहुत सही होता है जो उनके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आप अपनी हॉबीज को पूरा करें। देखिए ज्यादातर लोग आजकल अपने अपने कार्यों में इस कदर डूबे होते हैं कि उन्हें अपनी क्या हॉबीज है, अपनी क्या जरूरत है, उनको ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये जो हॉबी है जब आप उन्हें पूरा करते हैं तो उसका जो इफेक्ट वो हमारे दिमाग पर पड़ता है, तो आपका जो दिमाग है निश्चित तौर पे तेज होगा। लिखने की शैली बदलें। आप जो कुछ भी अखबारों या किताबों में पढ़ते हैं उसमें महत्वपूर्ण लगने वाली जो तथ्य हैं आप उसका नोट बनाएं, उनकी लिखावट अलग हो, अच्छे थोड़े बड़े हों या अलग रंग के कलम से लिखे हों, इससे जरूरी बातें लंबे समय तक याद रखती है तो याददाश्त भी आपकी लंबी होगी। डाइट में एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, आप पालक खा सकते हैं। पालक में मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत मात्रा में पाए जाते हैं जो याददाश्त बढ़ाने के लिए और साथ साथ सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए काफी मददगार होती है। इसके अलावा पालक में विटामिन B6, E और फोलेट भी काफी मात्रा में पाई जाती है। फोलेट स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती है और फोलेट की कमी से मेमोरी लॉस और अल्जाइमर की शिकायत होती है। एनर्जी के बिना दिमाग काम नहीं कर सकता, एकाग्रता बढ़ाने के लिए दिमाग में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो स्टूडेंट्स को तेज दिमाग करने के लिए साबुत अनाज का सेवन जरूर करना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ खून में धीरे धीरे ग्लूकोज को भेजते हुए पूरा दिन मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। बचपन में आपने सुना होगा कि बेटा मछली खाओ, खास करके मछली का सर खाओ तो दिमाग तेज होगा, और यह सच है। हफ्ते में एक बार मछली का सेवन काफी फायदेमंद साबित होता है। मैं सर की तो बात नहीं करता हूं, पर मछली खाना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो बच्चे के दिमाग को और आंखों के विकास के लिए लाभदायक होता है। फैटी फिश में ओमेगा 3 की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और इसे कोल्ड वाटर फिश के नाम से भी जाना जाता है। आपको अपने दिमाग को विश्राम भी देना होगा। देखिए किसी भी काम को सफलता के साथ पूर्ण करने के लिए बहुत वक्त लगता है,
10 दिन का काम आप एक दिन में नहीं कर सकते, इसलिए प्रतिदिन आप उतना ही काम कीजिए जितना आप कर सकें। ज्यादा देर काम करना और अपने शरीर तथा दिमाग को विश्राम ना देना आपके लिए सही नहीं होगा। आप जितना ज्यादा विश्राम करेंगे बौद्धिक क्षमता भी उतनी ही ज्यादा विकसित होगी। जितना ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि आप 12-14 घंटे सो रहे हैं, वैसा नहीं करना है। तो ये एक तरीका है, च्युइंगम खाइए आप। कई शोधों में प्रमाणित हो चुका है कि 20 से 30 मिनट तक च्युइंगम चबाने से दिमाग तेज काम करता है। अगर च्युइंगम आपको पसंद नहीं है तो बिना च्युइंगम खाते हुए मुंह चलाने का अभ्यास कीजिए, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आप डूडल बनाएं। अक्सर बोरिंग लेक्चर के दौरान या फिर घंटों तक चलने वाली मीटिंग के दौरान कई लोग कलम से कागज पर तरह तरह की आकृतियां बनाते हैं, टाइम पास करते हैं। तो इसके लिए आपको हो सकता है कई बार डांट सुननी पड़े, लेकिन ये आपके ब्रेन को, आपकी याददाश्त को 29% तक बढ़ाता है। बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, बच्चों का कला के प्रति रुझान दिमाग को विकसित करता है और नई चीजों को सीखने में मदद करता है। तो इस प्रकार बच्चों की कल्पनाशीलता में वृद्धि होती है और वे बहुआयामी सोच रखते हैं। गणित बहुत उम्दा चीज है ब्रेन बढ़ाने के लिए, अपना दिमाग बढ़ाने के लिए, याददाश्त तेज करने के लिए। बचपन से ही बच्चे को गणित का अच्छा खासा अभ्यास होना चाहिए, यह उसके दिमाग को तेज करने में मदद करता है। यही कारण है कि जिन लोग का गणित में अधिक रुचि है वे अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। पानी का इस्तेमाल बहुत कीजिए। हमारे मस्तिष्क का 85% भाग पानी से बना हुआ है, जिसे स्पष्ट है कि पानी की कमी मस्तिष्क की कोशिकाओं में सिकुड़न पैदा कर सकती है। तो शोध के मुताबिक पानी की कमी अगर है तो कोशिकाओं को पानी मिल नहीं पाएगा, तो जो एकाग्रता है वह याददाश्त को प्रभावित करती है। तो दिन भर में 6 से 8 गिलास पानी कम से कम पीना चाहिए, यह याद करके। आप अपने पसंदीदा ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, यह बहुत ही फायदेमंद होता है। आज के आधुनिक युग में हर कोई इंटरनेट इस्तेमाल करता है, कोई गेम खेलता है, कोई सोशल मीडिया चलाता है। गेम खेलना थोड़ा सा मुझे वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। तो इंटरनेट पर आप अपने पसंदीदा कोर्सेज जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग, कोडिंग, इन जैसी चीज़ों को चुन सकते हैं। तो आपके जीवन को ये और बेहतर बनाएगा। तो नए नए चीज़ों के बारे में सीखना हमारे दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन को काफ़ी ज़्यादा विकसित करता है। तो अगर आप अपने न्यूरॉन को विकसित करना चाहते हैं तब आप अपने मन पसंदीदा कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए या विज्ञापन पर ठीक इसी प्रकार के लेख पढ़ें और अपनी संगत को सुधारें। देखिए, हम जिनके साथ रहते हैं उनका बहुत बड़ा असर हमारे पर पड़ता है। अगर आपको लगता है कि बंदा इंटेलिजेंट है तो आपके लिए काम का है, आप उसकी संगत बनाइए। यदि आप नकारात्मक लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो आपकी सोच भी बहुत हद तक, आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, उनसे प्रभावित जरूर होगी, तो यह आपके लिए फिर नुकसानदायक होता है। दिमाग को तेज करने के लिए चॉकलेट भी काफी मददगार होता है। डार्क चॉकलेट जिसमें 70% नारियल हो ब्रेन बूस्टर का काम करता है। कोको में फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके अलावा सेब, अंगूर, प्याज, चाय, बियर और वाइन भी फ्लेवोनाइड्स से भरपूर होते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इनमें कैरोटेनॉइड्स भी होते हैं। क्या है? कैरोटेनॉइड्स। इन्हें पावरफुल ब्रेन बूस्टर कहा जाता है। ब्रोकली, पत्ता गोभी, ब्रूसली, अंकुरित सब्जियां, ये सबसे दिमाग तेज होता है। दूध में विटामिन B6, B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है, यह भी आपको दिमाग मजबूत करता है। काली वाली जो अंगूर होती है आप उसे खा सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की शिकायत है तो फिर आप काले वाले अंगूर खाइए, इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये आपके ब्रेन को जबरदस्त पावर देगा, बढ़ाएगा। जीवन भर आप छात्र बने रहें,
सीखने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा चालू रखें। जब तक आप सीखने की टेंडेंसी रखेंगे, आजीवन छात्र बने रहने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके ब्रेन पावर को बूस्टअप मिलेगा, आपका दिमाग तेज होगा, कोई नहीं रोक सकता है जितना ज्यादा पढ़ेंगे। अभी हम लोग अपने ब्रेन को इस्तेमाल कहां करते हैं, हार्डली 6-7% ही ब्रेन का इस्तेमाल होता है हमारा। अपने भावनाओं को नियंत्रण करना सीखे, वो बहुत जरूरी है। सफल और तेज दिमाग वाले व्यक्तियों के पास भी भावनाएं होती हैं, परंतु वो अपने भावनाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं। भावनाओं के ऊपर नियंत्रण सिर्फ एक तेज दिमाग वाला व्यक्ति ही कर सकता है, इसलिए जितना हो सके आप भी अपने भावनाओं को नियंत्रण करना सीख लें, जिससे आपका समय और शक्ति दोनों बचेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। और ये बात शायद लगभग हर कोई जानता है, परंतु खेद की बात है इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। रात 10 बजे सो जाना चाहिए और 5 बजे उठ जाना चाहिए, यह आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 6-7 घंटों की नींद आपके लिए इनफ हो जाएगा। तो मैंने बहुत सारे तरीके बताए जिससे कि आपका ब्रेन मजबूत होगा, आपका ब्रेन शार्प होगा, मेमोरी जबरदस्त होगी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।